पुलिस लाइन सभागार में आयोजित पुलिस वार्ता के दौरान एसएसपी डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने 16 जुलाई को पीपीगंज थाना क्षेत्र में समूह एजेंट के साथ 78,000 रुपए की हुई लूट की घटना का खुलासा किया। लूट की घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि पुलिस अधीक्षक उत्तरी एवं पुलिस अधीक्षक क्राइम के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ एवं सीओ कैंपियरगंज के नेतृत्व में पीपीगंज थाना क्षेत्र के समूह एजेंट के साथ हुई लूट की घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाकर लगाई गई थी। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने लुटेरों को दौड़ाकर दो लुटेरों को पकड़ लिया और एक मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। पकड़े गए अभियुक्त शशिकांत भट्ट गोलू पुत्र बिंदेश्वरी भट्ट निवासी सहजनवा, आदर्श यादव उर्फ सिट्टू पुत्र नरसिंह यादव निवासी रामपुर थाना चिलुआताल की तलाशी के दौरान लूट के 9,500 रुपये मोबाइल बरामद हुए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने कहा, पीगंज थाना क्षेत्र में अभी 16 तारीख को एक लूट हुई थी जिसमें जो माइक्रो फाइनेंस जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का पैसा जमा करके लोग जा रहे थे उनसे 78,000 रुपये की लूट हुई थी। वो लूट का खुलासा हो गया है, उसमें बंदे जो पकड़े गए हैं जिनके पास से लूटा हुआ मोबाइल भी बरामद हुआ है और साथ में कुछ पैसे बरामद हुए हैं और एक तमंचा 315 बोर भी बरामद हुआ। सर, लूट में कितने लोग शामिल थे? अभी तक की जो जानकारी में आ रहा है उसमें लगभग 3 लोग शामिल थे, 2 पकड़ लिए गए हैं, 1 अभी और पकड़ा जाना शेष है और अभी पूछताछ जारी है और भी खुलासे होने की उम्मीद है। सर, फर्स्ट टाइम लूट किया इससे पहले भी परसों? अभी तक के तो जो मेन लूट करने वाले हैं वो फर्स्ट टाइमर ही हैं, लेकिन एक जो मुंजिम है उसके ऊपर दो तीन और मुकदमों में वो रहा है अभी रिसेंटली 2018 में।